नमस्कार दोस्तों, ये अंडाई टेक्नीशियन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज कुछ नया सीख लेते हैं। आज सीखेंगे दोस्तों वेट मशीन का कैलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास एक वेट मशीन है फोनिक्स का, आप देख सकते हैं सामने वेट मशीन है फोनिक्स का। आज इसका कैलिब्रेशन हम करेंगे। तो कैलिब्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको एक बार बंद करेंगे, और बंद करने के बाद में फिर इसको कैलिब्रेशन मोड में लेना पड़ेगा। कैलिब्रेशन मोड में लेने के लिए एक स्विच है, वो मैं अभी दिखाऊँगा आपको। देख सकते हैं हमने इसका स्विच यहाँ से बंद कर दिया। बंद करने के बाद में इसमें डिस्प्ले है, लेकिन ये क्या है कि ये बैटरी पे ऑन। हम इसको क्या करेंगे, नीचे एक स्विच है यहाँ पर, आप देख सकते हैं एक छोटा स्विच है, ये देखेंगे अब। हमने इसको बंद कर दिया, बंद करने के बाद डिस्प्ले एकदम बंद हो गया। अब दोस्तों हम फिर वापस क्या करेंगे कि इसको कैलिब्रेशन मोड में लेने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक स्विच होता है जिसको हम कैलिब्रेशन मोड में ले लेंगे। अब ये कैलिब्रेशन मोड में आ गया, इस तरफ आ जाएगा तो ये कैलिब्रेशन मोड में आ जाएगा, इधर होगा तो नॉर्मल मोड में रहेगा। दोस्तों तीसरा कैलिब्रेशन मोड में ले लिया। अब इसको हम वापस पावर ऑन करेंगे, यहाँ से पावर ऑन कर दिया हमने। आप देख सकते हैं यहाँ पे एसी सप्लाई आ चुकी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप एसी सप्लाई आ चुकी है। अब इसको हम क्या करेंगे, वापस कैलिब्रेशन मोड कैलिब्रेशन करने के लिए यहाँ पे जो स्विच है इसको ऑन करने से पहले जीरो दबा के रखेंगे। जीरो हमने देख सकते हैं आप, यहाँ पे जीरो है, जीरो हमने कंटिन्यू दबा लिया और इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद कुछ इस तरह से डिस्प्ले यानी कुछ मिस्टेक हो गई, हम वापस बंद करेंगे। बंद करने के बाद में फिर वापस जीरो दबा के रखेंगे और फिर ऑन करेंगे। अब देखें इस तरह से डिस्प्ले कुछ सामने आ जाएगा, यानी कि सेटिंग का डिस्प्ले सामने आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे इसको स्विच ऑन, फिर तीन बार टेयर दबाएंगे। आप देख सकते हैं एक बार दबाया, दो बार में ये आ गया आपका, और तीसरी बार में CL5 पे दबाने के बाद जो इस तरह कोई डिस्प्ले आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि एक बार मोड की दबाएंगे। आप देख सकते हैं मोड की हमने दबा दिया, मोड की में कुछ इस तरह से लोड आ गया। अब यह मैक्सिमम वेट दिखा रहा है कि इसका मैक्सिमम वेट जो है 10 kg है। अब इसको क्या करेंगे, हमारे पास 2 kg का वेट है। अब देख सकते हैं हमारे पास ये स्टैंडर्ड जो बुलियन वेट होता है 2 kg का है, तो हम इसको क्या करेंगे 2 kg से कैलिब्रेट करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एम प्लस से इसको सेट करेंगे 2 kg। देख सकते हैं यहाँ पे डाउन होता जा रहा है, और इसको हम क्या करेंगे 2 kg पे सेट कर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे डाउन हो रहा धीरे धीरे, और ये आप देख सकते हैं 2 kg के आसपास पहुंचने वाले हैं। ये देखिए कम हो गया, तो इसको क्या करेंगे फिर जीरो से हम इसको बढ़ा देंगे, जीरो से हम इसको बढ़ा के 2 kg पूरा कर देंगे। आप देख सकते हैं फिर प्लस हो गया, फिर इसको एम प्लस से माइनस करेंगे, यानी यहाँ से फिर प्लस करेंगे, इस तरह से 2 kg हो गया। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, प्लेटफॉर्म एकदम क्लीन होना चाहिए, प्लेटफॉर्म पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो हम प्लेटफॉर्म पर फिर क्या करेंगे, 2 kg का वेट रख देंगे। 2 kg का वेट रखने के बाद फिर क्या करेंगे, एक बार हम मोड की दबा देंगे, यहाँ से एक बार मोड की दबा देंगे। आप देख सकते हैं टीयर का जो ब्लिंकिंग चल रहा है, यानी कि कैलिब्रेशन डन हो गया हमारा। कैलिब्रेशन डन होने के बाद में फिर क्या करेंगे, हम वेट को हटा देंगे। वेट को हटाने के बाद फिर दूसरा वेट एक बार रख के फिर चेक करेंगे कि हमारा कैलिब्रेशन सही हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं हमने 500 ग्राम रख दिया इस पर, और 500 ग्राम डिस्प्ले हमारा 500 ग्राम शो कर रहा है। अब इस तरह से दोस्तों कैलिब्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद वापस हम क्या करेंगे, जो हमने ये हमारा जो कैलिब्रेशन का पोर्ट था देख सकते हैं, हम इसको हम क्या करेंगे वापस इधर कर देंगे, अपना नॉर्मल मोड पे करके वापस इसको जो है ऐसे बंद करके, अब देख सकते हैं बंद करके छोड़ देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर दोस्तों चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में यहीं तक, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।